जब गेम डिकोडिंग की बात चल ही रही थी तो दिव्या और अक्षरा ने मिलिंद के साथ मिलकर जो है नेहा भसीन का भी गेम डिकोड कर लिया है। किस तरीके से नेहा भसीन ने बहुत स्ट्रेटेजिकली मिलिंद गाबा को छोड़ प्रतीक सहजपाल को चुना है उसके बारे में कर लेते हैं इस पूरे वीडियो में बातचीत। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। दरअसल कल देर रात जो है 12 बजे के बाद दिव्या अग्रवाल ऐसा लग रहा था जैसे सबके गेम डिकोड करके आगे बढ़ने के मूड में है। ऐसे में वो दिव्या जो है बता रही थी मिलिंद और अक्षरा को कि किस तरीके से घर के अंदर गेम चल रहा है और किस तरीके से लोग जो है बड़ी स्मार्टली गेम खेलते जा रहे हैं और गेम के लिए अपनी इक्वेशंस भी चेंज कर दे रहे हैं और अच्छे बनते जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर नेहा भसीन की बात हो रही थी कि क्यों उन्होंने मिलिंद गाबा को छोड़ दिया। दरअसल नेहा और मिलिंद की जोड़ी में जो है मिलिंद कामर पर्सन थे और नेहा को सबसे आड़े हाथों लेना पड़ता था, यानी सबसे पंगे लेने पड़ते थे। ऐसे में दिव्या का ये मानना है कि उन्होंने प्रतीक सहजपाल को इसलिए चुना क्योंकि प्रतीक वैसे ही सबसे भिड़ता लड़ता रहता है और एक जो पैसिफायर का रोल होता या कामर का रोल होता वो नेहा भसीन को मिल जाता। और हम सभी देख पा रहे हैं जो भी इंसान कामली लोगों के साथ डील कर रहा है तो वो अच्छा बन जा रहा है। ऐसे में नेहा भसीन ने मिलिंद के साथ जो है ये नुकसान झेलते हुए अपने आप को एक नेगेटिव इमेज में देखते हुए खुद के लिए ये डिसीजन लिया कि अब वो प्रतीक के साथ हो जाएंगी ताकि प्रतीक वो नेगेटिव इमेज ले ले और नेहा उस ग्रुप की उस कनेक्शन की पॉजिटिव पर्सन बन जाए जो कि मिलिंद के साथ वो नेगेटिव बन जा रही थी। तो यहां पर दिव्या का ये कहना है कि अब वो जो अपना डर्टी वर्क है वो प्रतीक से करवाएंगी और सबके पास जाकर जो है बहुत पैसिफायर का रोल प्ले करके अपनी पॉजिटिव इमेज बना लेंगी। तभी वो कल से जब से मिलिंद के साथ कनेक्शन टूटा है तब से जो है बढ़िया खाना वाना बना रही है, सबको खाना बनाकर खिला रही है। इनफैक्ट मेरे पास भी ये पूछने आई थी कि तुम कुछ खाओगी क्योंकि शी इज वेरी स्ट्रेटेजिकली मूविंग अहेड इन द गेम कि उन्हें क्या करना है आगे वो उन्हें अच्छे से पता है। जिसके लिए आप सभी लोगों का क्या कहना है जल्दी से लिखकर बता दीजिए हमें कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं चैनल के साथ जुड़े रहिए और भी खबरें हैं लगातार ऐसे ही आप तक पहुंचाते रहेंगे।